चंद्रयान 3 मिशन सफलता के बाद भारत शनिवार को एक और इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन के तहत आदित्य एल्बम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सतीश धवन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च कर दिया है। PSLV-1 रॉकेट ने सफलतापूर्वक आदित्य L1 को उसके इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पूरे विश्व की निगाहें सिर्फ और सिर्फ भारत के आदित्य L1 मिशन पर टिकी हुई हैं। भारत ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पूरे विश्व में स्पेस रिसर्च में अपना लोहा मनवाया है। आदित्य L1 मिशन पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थापित L1 पॉइंट पर पहुंचकर सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट एक आदित्य को 125 दिन का समय लगेगा। पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी 15 लाख है और इस पॉइंट पर आदित्य पहुंचने के बाद सूर्य के तीनों लेयर के बारे में अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट वह पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल निष्प्रभावी कर देता है, जिसकी वजह से आदित्य L1 पर न सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई असर पड़ेगा न ही पृथ्वी का। इसरो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की जानकारी दी। इसरो के आधिकारिक ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने भी इसरो को शुभकामनाएं दी हैं। बहरहाल चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी जब इसरो के वैज्ञानिक से मिलने पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था अब सूर्य और शुक्र की बारी है। आपको बता दें इसरो आने वाले साल में गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है जो भारत का पहला मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाला मिशन होगा। विगत 10 साल में इसरो का कायाकल्प हुआ है जिससे भारत का मान स्पेस रिसर्च में बढ़ा है। फिलहाल इस वायरल वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें TNN वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।